कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ सब अच्छे होंगे। और आज का जो हमारा कंटेंट है वो हमारा जो है तरबूज पे है। ये जो तरबूज है इसको हम एक मैंने जो एयरगन बनाई है जो कि एक बॉटल के ज़रिए बनाई है और उससे मैं इसको ब्लास्ट करूँगा। अब कैसे करूँगा वो इस वीडियो में दिखाऊँगा। और इसीलिए इस वीडियो को देखने के लिए हम लोगों के साथ जुड़े रहें, हमारे हमारी टीम के साथ जुड़े रहें और एंड तक देखें। और बाकी की जो जानकारी मैं इसमें दूंगा। और दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में सभी में शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें ताकि इसी तरह आपका प्यार हमारा बना रहे। गाइस ये एक बोतल है और बोतल में हम यहाँ पे एक सुराख करेंगे और सुराख में हम अपना ये फ्यूज कनेक्टर डालेंगे और इसके अकॉर्डिंग मैं जो है तरबूज को फोड़ूंगा। चलिए गाइस सुराख करते हैं। हमारी गाइज आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, कभी भी इस तरह की कोई भी किसी भी तरह की इस तरह की कुछ भी आप अपने घर पे मत ट्राई करिएगा, क्योंकि हम लोग इनको ट्राई करते हैं आप लोगों को एंटरटेन करने के लिए सिखाते करते हैं। इस तरह की कुछ भी चीज़ें आप लोग कभी घर पे ट्राई मत करिएगा। जो कुछ भी मैंने बनाया है कोई भी सामान मैं बाहर से नहीं लाया हूँ, ये सब हमारे घर पे एक स्क्रैप में पड़ा हुआ था तो मैंने स्क्रैप से निकाल के सब कुछ बनाया है। कुछ भी मैं बाहर से खरीद के परचेज करके नहीं लाया हूँ। हेलो होटल का जो मुंह है ये जो इसके अंदर मैं इस पाइप को डालता हूँ और ये मेरा पाइप वाइप थोड़ा सा छोटा था तो मैंने इसके ऊपर टेप लगा लिया है ताकि यहाँ से एयर ना पास होने पाए, क्योंकि जब इसके अंदर से जो प्रेशर निकलता है ये जो कंपोनेंट जो लगाया मैंने इसके अंदर से जब ये हीट करता है इसको मैं अभी 12 वोल्ट की इसकी सप्लाई दूंगा। 12 वोल्ट डीसी जो होते हैं उससे मैं इसे सप्लाई दूंगा और सप्लाई होने के बाद मेरे पास जो बैटरी है बैटरी से मैं इसको सप्लाई दूंगा। सप्लाई होने के बाद इसके अंदर मैं एक परफ्यूम डालता हूँ, वो भी मैं अभी अब आपको वीडियो के आगे बने हुए वीडियो में बताऊँगा। इसके अंदर मैं जो परफ्यूम डालूंगा, परफ्यूम डालने के बाद जो इसके अंदर से जो यहाँ से गर्म ये अंदर हीट करता है, हीट करने के बाद ये यहाँ पे मैं यहाँ पे कुछ कागज़ का मतलब कि इसको यहाँ से मैं बंद कर सकता हूँ। यहाँ से इसको बंद कर देंगे हम और बंद करने के बाद इसको जब यहाँ से 12 वोल्ट की सप्लाई देंगे तो ये हीट हो जाएगा। हीट होने के बाद यहाँ पे कागज़ वगैरह कुछ भी लगा देंगे तो इसमें अंदर से बहुत लंबा प्रेशर निकलता है। ऐसा प्रेशर जो निकलता है वो प्रेशर 500 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से निकलता है। गाइस ये हमारा रेडी हो गया है। इसमें देखिए मैंने ये एल्युमिनियम का एक पाइप इसमें मैंने जोड़ दिया है, इससे यहाँ टेप कर दिया है और अब इसके अंदर देखिए कुछ भी नहीं है। इसके अंदर गाइस देखिए कुछ भी नहीं है, एक जो वायर का जो फ्यूज मैंने जो लगाया है सिर्फ फ्यूज़ इसके अंदर है और कुछ भी नहीं है। और इसको प्रेशराइज करने के लिए हम क्या करते हैं, एक परफ्यूम लेते हैं, जो भी आपके पास जो भी परफ्यूम आप यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि मेरे पास ये है मैंने इसको यूज़ किया है। इसके अंदर कम से कम 20 से 25 स्प्रे डालते हैं। इसके अंदर मैंने परफ्यूम भर दिया है, कम से कम 25 स्प्रे कर दिए हैं। उसके बाद ये पाइप लगाते हैं और पाइप ये इस तरह का है। खासकर गाइस पाइप लगाने से पहले इस पर मैं कागज़ भरता हूँ, उसमें कागज़ भरूँ दिखा दूँ ये इस तरह से गाइस इसमें कागज़ भरते हैं। देखिए कि इसकी एयर ना निकलने पाए, कागज़ भी बहुत टाइट नहीं भरते हैं, इतना टाइट भरते हैं कि कागज़ प्रेशराइज को थोड़ा सा कंट्रोल करके बाहर निकल रहा है। बस ठीक है, गाइस यहाँ पे मैं तरबूज रखता हूँ और ये देखिए मैं तरबूज यहाँ पे रखते हैं तो इसी को ब्लास्ट करना है, मैं इसको ब्लास्ट करूँगा।
इसको एक जगह पे स्टेबल कर देना है ताकि हमारा जो हमारी जो गन का एम है इस पर बना रहे। इसको इस चीज़ के लिए इसको थोड़ा सा फोकस आप ये करना है कि ये एक जगह पे स्टेबल रहे। इसको भी जब स्टेबल रहेगा तभी हम इसका एम बना पाएंगे। और तो गाइस ब्लास्ट करने से पहले हम आपको पूरा सेट दिखा दिया है। हमने सेट बनाने में काफ़ी टाइम लगा है, बहुत धूप हुई है, तो गाइस लाइक ज़रूर करिएगा। और ये जो हमारा एक देखिए कांच की गोली है, इसको हम इसमें ऐसे डाल देते हैं। कांच की गोली अंदर चली गई है और ये कांच की गोली अभी बड़ा धमाका करेगी इसको फोड़ के। चलिए ये देखिए जो ब्लास्ट हुआ था कंचा आरम पार हो गया। ये देखिए गाइस, ये देखिए पूरा आप जैसे कि देख सकते हैं सामने, देखिए एकदम पूरी फील्ड दिख रही है। कंचा इधर से गया उधर से निकल गया, पूरा साइज बना हुआ है। ये देखिए गाइस इधर से निकला था कंचा, इधर से मैंने स्पेस शूट इधर से किया था और जो निकला है कंचा ये इधर से निकला है। गाइस बहुत बड़ा धमाका था, ये बहुत बड़ा धमाका। ये देखिए गाइस पूरा आप देख सकते हैं।